नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। 31 साल बाद ज्ञानवापी के अंदर व्यास जी तहखाने में पूजा की गई है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कोर्ट के आदेश के बाद ही कल वहां पर कल देर रात काफी हलचल देखी गई। प्रशासनिक व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही थी किस तरीके से वहां पर पूजा शुरू की जाए। 31 साल बाद व्यास जी तहखाने में पूजा की गई है। आप देख सकते हैं विधिवत तरीके से यहां पर 3 दशक के इंतजार के बाद पूजा अर्चना करने की ये घड़ी आई है। तो कोर्ट के आदेश के बाद ये घड़ी आई। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका काफी विरोध भी किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ही हरकत पे प्रशासन आया, इंतजाम किया गया, व्यवस्था की गई और देर रात यहां पर भी काफी चहलकदमी देखने को मिली। उसके बाद ये देखिए पूजा जिस तरह से हुई है विधिवत तरीके से, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्यास जी का तहखाना जहां पे कोर्ट के आदेश के बाद पूजा हुई है। कोर्ट ने पूजा करने का अधिकार यहां पर दिया था कि सब साक्ष है, मस्जिद पर कह रहा है कोई साक्ष नहीं है, बिना साक्ष फैसला दे दिया। तो फिलहाल अभी आम भक्तों के दर्शन शुरू नहीं हुए हैं और ज्ञानवापी में सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है और पूरा जो इलाका है उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ जो अन्य फोर्स है वो लगा दी गई है। तो उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से पूरी जानकारी दे रहे थे, आगे भी उनका रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देर रात तहखाने में पूजा हुई है। 30 जुलाई 1996 के एक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट ने इस कोर्ट के आदेश के इस पक्ष में आने पर बड़ी भूमिका निभाई है और व्यास परिवार की ओर से लगातार इस पूरे मामले में पूजा पाठ की अनुमति मिलने को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। जो शैलेंद्र पाठक व्यास हैं, वो शैलेंद्र पाठक वो व्यास परिवार के ही वंशज हैं। और अब खबर गुना से, जहां भगवान की प्रतिमा तोड़ने से नाराज लोग धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि बमौरी कस्बे में शमशान के पीछे प्राचीन मंदिर है और देर रात अज्ञात शख्स ने प्रतिमा खंडित कर दी। लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, आक्रोशित लोगों ने मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया। बता दें कि साल 2013 में भी असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया था। लोग जो आपको यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वो धरना दे रहे हैं, इस बात से नाराज हैं कि मंदिर में रखी प्रतिमा को खंडित किया गया, नुकसान पहुंचाया गया और इसीलिए वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। धरना यहां पर दिया गया, बमौरी कस्बा है जहां शमशान के पीछे एक प्राचीन मंदिर है। यहां पुरानी मान्यता के तहत लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और देर रात किसी अज्ञात शख्स ने यहाँ जो प्रतिमा है उसे खंडित किया है। और जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी हुई, नाराज लोगों ने यहां पर धरना दिया। मुख्य चौराहा है जहां पर बैठे हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हैं जो इस बात से नाराज हैं। साल 2013 में भी असामाजिक तत्वों ने यहां मंदिर में जो मूर्तियां रखी हुई हैं उनको नुकसान पहुंचाया था और देर रात भी एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया। उसके बाद यहाँ पर लोग आक्रोशित हुए और इकट्ठा हुए।